बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग आई थॉट दैट आई शुड शेयर माई फीलिंग विद यू ऑल गाइज। आई थॉट आई शुड शेयर समथिंग स्पेशल विद माई स्टूडेंट्स, बिकॉज इन दिस पेंडेमिक आर करंट प्रिवेलिंग सिचुएशंस द मोस्ट कन्फ्यूजिंग फिगर इज द मोस्ट officials and most important figure of the society, and you know वो कौन है? वो है हमारे कल का फ्यूचर, वो हमारा आने वाला फ्यूचर, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट क्यों कन्फ्यूज हैं और कैसे कन्फ्यूज हैं? कुछ तो स्टार्टिंग में बोलेंगे हम कहाँ से कन्फ्यूज हैं, हमने तो शुक्र किया कि हमारी एग्ज़ाम से जान छूटी। लेकिन मसला इस तरह से है कि ये जो अनयूजुअल सिचुएशन आई है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में बिना एग्ज़ाम के पास हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो कि सेकंड ईयर से अभी वो सेकंड ईयर क्लियर कर गए, जबकि उनकी जो मेंटालिटी, जबकि उनका जो प्रिपरेशन पैटर्न था वो एग्ज़ाम के लिए था। पहले किस्म के स्टूडेंट के साथ तो इतना इशू नहीं है, यानी जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में स्टूडेंट गए हैं उनके साथ इतना इशू इसलिए नहीं है कि उनके पास पूरा एक साल रखा हुआ है। लेकिन एक इशू उनके साथ ज़रूर है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड कैसे होगी, मीन अब स्टडीज़ कैसे होंगी, हम कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या वही पुराना पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि टीचर आया, उसने पूरी क्लास ली, क्राउडी क्लास ली, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम अभी चल रहे हैं, इदारे हैं जो कि ऑनलाइन स्टडीज़ करा रहे हैं, और ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं उनको हमारी सोसाइटी अडॉप्ट कैसे करेगी, उस पैटर्न को हम कैसे समझेंगे, हम अपनी स्टडीज़ को कब सीध संजीदा लेंगे। बिकॉज उसमें हमारे पास ये होता है कि ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है या टू साइडेड भी है तो दोनों साइडों पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता जो कि क्लास के अंदर होता है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका आगे उन्होंने अभी प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करना है, वो कन्फ्यूज़ है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कैसे डाला जाएगा, क्या हमसे वही ओल्ड पैटर्न के मुताबिक एंटी टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये कोरोना वर्ल्ड कैसे जाएगी, कहाँ तक चलेगा ये पेंडेमिक, हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, स्टिल एवरीवन इज़ वेरी मच कंफ्यूज। लेकिन जहाँ तक बात आती है एंटी टेस्ट की, तो ज़्यादातर कॉलेजेस, स्पेशली द मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो मेनली बेस करता है एंटी टेस्ट के ऊपर, और आई डोंट थिंक कि एंटी टेस्ट जो है उसका मुतबादल जो है कोई भी और पैटर्न हो सकता है। तो अप टिल नाउ आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि भाई एंटी टेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर एंटी टेस्ट होगा तो फिर हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो एक सोल्यूशन तो ये आ जाता है कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस लें। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये इतनी इफ़ेक्टिव हो कैसे सकती हैं, या फिर हम इनको किस तरह से एक्सेप्ट करें, कैसे हैंडल करें, हमारी उस तरह का पैटर्न ही नहीं बना हुआ है कि हम एक डिवाइस को जिसको एक टीचर एड्रेस कर रहा है उसको हम संजीदा लें, सीरियस लें, लेकिन हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ही शो होती हैं कि एक टीचर जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अपने स्टूडेंट को किस तरह से होल्ड कर सकता है और वो उनको किस तरह से ट्रेन कर सकता है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचर को वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। एक तो हम कहते हैं ना, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट, के वो चाहे वर्चुअल वर्ल्ड हो चाहे रियल वर्ल्ड हो, स्टूडेंट जो होते हैं, जो रियल में स्टूडेंट है, वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट देता है। तो जब ये दो चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी कि जब टीचर जो है उसको होल्ड करना आ जाएगा और जब स्टूडेंट जो है उसको रिस्पेक्ट करना आ जाएगा, तो उस वक्त हमारा जो लर्निंग आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। जो सबसे बड़ी कंप्लेन आ रही है जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि एक टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है लेकिन उसके स्टूडेंट जो है वो सीरियस ही नहीं है, वो उटिंग कर रहे हैं, वो आगे से ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं जो कि टीचर की एक तरह से इंसल्ट होती है, क्योंकि आप किसी से कुछ सीख रहे हो और जब तक आप
उसको अपने से ऊपर नहीं समझते हो, या फिर म्यूचुअल डिस्कशन रिलेटिव टू द सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपने टीचर से कुछ भी नहीं सीख सकोगे। अब इशू ये है कि एंट्री टेस्ट अगर है तो उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो एक तो आ गया ऑनलाइन लर्निंग का, कि भाई ऑनलाइन अगर आपसे हो सकता है मैक्सिमम, हर बंदे की अपनी मेंटल कैपेसिटी होती है, फिर उसके बाद उसका जो मतलब ग्रैबिंग और रिसीविंग पावर अपनी होती है। और दूसरा ये ऑनलाइन क्लासेस किसी तरह से भी डायरेक्ट क्लासेस का जो नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से हमें मैनेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन ऑनलाइन क्लासेस को भी। दूसरा, आप डायरेक्ट क्लासेस कैसे ले सकते हैं? तो डायरेक्ट क्लासेस का अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ इदारे जो हैं, स्पेशली तालीमी इदारे और माल्स और ये शादी हाल बंद किए हुए हैं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो सही कर रही है। कोई भी इदारा, तालीमी इदारा इस वजह से नहीं बंद है कि वहाँ के टीचर थक गए हैं। तालीमी इदारे जो हैं वो इसलिए बंद हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्क पे हैं, और हम स्टूडेंट को रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि हमारा कल का फ्यूचर जो है वो हमारे स्टूडेंट हैं, और ये सबसे कीमती फिगर होता है किसी भी सोसाइटी का। तो ब्लेम गेम्स और नॉन सीरियस एटीट्यूड जो होता है वो किसी भी सोसाइटी को ले डूबता है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा सबसे कीमती सरमाया है। हमारा कल का फ्यूचर जो है वो उनके हाथों में है। तो आज अगर उन खजानों को, उन कीमती हीरों को हम प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो कल हमारा फ्यूचर भी वेल प्रोटेक्टेड रहेगा। आगे से कहानी आती है शादी हालों में जो है वो, ये बाज़ारों में इतना क्राउड है, तो बाज़ारों में जा कौन रहा है? स्टूडेंट तो नहीं फिर रहे हैं वहाँ पे बाज़ारों के अंदर। बाज़ारों में लोग मतलब ये है कि शॉपिंग करने के लिए, या जो घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो वहाँ पे पूरे बाज़ार के अंदर जाके घूमते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को लाते हैं। स्टूडेंट जो हैं उनको तो जब तक टीचर पढ़ाएगा नहीं तो उसको सुकून नहीं आता। इसी तरह से स्टूडेंट एक हद तक एंजॉय करता है, अदरवाइज स्टूडेंट भी जब तक नहीं पढ़ता है ना, तो उसको भी अपनी लाइफ बोरिंग लगती है, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ का अपना एक पैटर्न है। जैसे एक मजदूर जो है ना, उसकी लाइफ का एक पैटर्न है कि जब तक वो मजदूरी नहीं करता ना, तो उसको अपना सुकून नहीं मिलता है। इसी तरह से जो टीचर रियल मीनिंग में है ना, वो जब तक पढ़ाता नहीं है ना, तो उसको सुकून नहीं मिलता है। सेम अप्लाई फॉर द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट जो होता है, जब वो पढ़ता जब तक नहीं है, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता है। और ये रियल फैक्ट्स हैं, ये कोई इमोशनल बातें नहीं हैं। हाँ, कोई एक लम्हे के लिए इसको मतलब है कि जोक में उड़ा सकता है, नहीं यार, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। कितना एंजॉय करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने एंजॉय करेंगे? चौथे महीने तो डेफिनेटली जब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, घर में बंदा एक ही मोनाटमस टाइप की लाइफ गुजार के खुद बोर होता है। अब ऐसा है कि मैंने जो सोचा है अपने स्टूडेंट के साथ, फेवर जिस तरह से मुझसे हो सकती है, वो ये है कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली मैं अपने उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि एंट्री टेस्ट देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए छोटे छोटे क्लिप बना के और छोटे टॉपिक्स जहाँ पे भी उनको, स्पेशली पूरी बुक तो ना सही, लेकिन जिन टॉपिक्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर जो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिहाज से, वो बच्चों के लिए ज़रूर बनाऊँगा मैं। और उसी सिलसिले में अभी मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो है वैसे शाम को बैठे हुए आपके लिए मतलब यहाँ पे बनाया है, और उसमें आपको मैं दो चार बातें बताता हूँ, और इसी सिलसिले को मैं कंटिन्यू रखूँगा, जिसमें 2-4-5 MCQs एक टॉपिक में अगर हो जाते हैं एक पूरे सेशन में, हमारा ये जो ऑनलाइन वीडियो का सेशन है, तो उसमें एक फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे कट करके तो वहाँ पे पढ़ने का हम सिलसिला, सपोज करें अगर कोई बातें नहीं सुनना चाहता है तो वो कट करके दूसरी वीडियो को जो है वो देख सकता है, तो इसी की कंटिन्यूटी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आपके लिए अपलोड करता हूँ, और वो जो वीडियो होगी वो स्केलेटल मसल के बारे में होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इसको यहाँ पर कट करते हैं।